फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंक का चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड। ठीक है, जो स्टूडेंट इस बार बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जामिनेशन देंगे, ठीक है, 2022 में वह एडमिशन लेना चाहते हैं बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में, उनसे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनके लिए क्या है, एक अच्छी न्यूज आया है कि जो स्टूडेंट्स बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेंगे वह जो है अब हिंदी में भी बिहार से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका 2022 सेशन जो होगा इसमें आपका क्या है कि अब हिंदी मीडियम में भी जो है आपका वहां पे पढ़ाई होगी बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या अपडेट आया है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है ने कॉलेजों के प्राचार्यों को दिए निर्देश, जो भी प्रिंसिपल है उनको जो है इंस्ट्रक्शन जो है वह भेज दिया गया डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में हिंदी में भी होगी पढ़ाई, जो बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें क्या है अब हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई होगी। जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं मैक्सिमम वह क्या होते हैं कि वह हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई करते हैं टेंथ तक। ठीक है, अगर वह टेंथ के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, डायरेक्ट उनको इंग्लिश में पढ़ाया जाता था पॉलिटेक्निक में, लेकिन अब जो है उनको बहुत सहूलियत होगी क्योंकि आप जैसे ही टेंथ हिंदी मीडियम पढ़े हैं तो आप क्या है पॉलिटेक्निक में भी जो है आप हिंदी मीडियम से कर सकते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है उस स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत हेल्पफुल होगा अब, क्योंकि वो अब हिंदी में भी पढ़ाई होगी। यहाँ पे देखिए, राज्य के सभी सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी पठन पाठन होगा। ठीक है, आपका इंग्लिश मीडियम के साथ साथ क्या होगा हिंदी में भी जो है आपका पढ़ाई होगी। साथ ही विद्यार्थियों को हिंदी में उत्तर लिखने का भी विकल्प मिलेगा और ऐसा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा। ठीक है, आप जो है अब हिंदी में भी पेपर वहां पे लिख सकते हैं, जो आपका यूनिवर्सिटीज का पेपर होगा वहां पे क्या कर सकते हैं आप हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप हिंदी मीडियम में भी आपका पढ़ाई होगा। इन्हें सुनिश्चित कराने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिया गया है। विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने प्राचार्यों को लिखने पत्र में कहा है कि बिहार के सात निश्चय 2 के तहत यह निर्णय लिया गया है, जो आपका नीतीश कुमार का जो है सात निश्चय 2 है इसके अनुसार जो है बिहार में हिंदी में पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई का जो है वह निर्देश दिया गया है, जिसमें तकनीकी शिक्षा को हिंदी में भी उपलब्ध कराने की बात कही गई है। ठीक है, प्राचार्यों को निर्देश है कि सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में सत्र सेशन जो आपका 2022 से 23 होगा, मतलब जो इस बार एडमिशन से लेंगे पॉलिटेक्निक कॉलेजों में, ठीक है, तो तकनीकी शिक्षा को सरल बनाने के लिए पठन पाठन हिंदी में भी प्रारंभ किया जाए। बिहार राज्य प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र हिंदी में भी उपलब्ध कराएगा। कॉलेज हिंदी भाषा में भी लिखी तकनीकी शिक्षा की पुस्तकों की भी खरीद की जाएगी और उन्हें पुस्तकालय में रखा जाएगा। ठीक है, आपका जो लाइब्रेरी होगा पॉलिटेक्निक कॉलेज का उसमें आपका हिंदी में भी बुक अवेलेबल होगा, आप हिंदी मीडियम में भी आप वहाँ पे आंसर दे सकते हैं, आपका पढ़ाई भी जो आपका होगा वह हिंदी मीडियम में ही होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्तर में डिप्लोमा स्तरीय पुस्तकों का प्रकाशन हिंदी में कराए जाने की सूचना प्राप्त हुई है, जो AICT है उसके थ्रू भी। ठीक है, इसीलिए परिषद में संपर्क कर हिंदी की पुस्तकें की प्राथमिकता को आधार पर खरीद की जाए। अब जो है हिंदी पुस्तक का जो भी है वह अवेलेबल कर दिया जाएगा आपके बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में। परीक्षा में हिंदी में उत्तर लिखने को किया जाएगा प्रोत्साहित। ठीक है, CM के साथ निश्चय 2 के तहत यह निर्णय लिया गया है। हिंदी में पुस्तक लिखने पर 1 लाख मिलेंगे, जो भी प्रोफेसर जो है वह हिंदी में पुस्तक लिखेंगे तकनीकी से रिलेटेड उनको क्या होगा 1 लाख रुपया जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। प्राचार्यों को लिखे पत्र में यह भी कहा गया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा भी पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए हिंदी भाषा में मौलिक पुस्तकों को लिखने के लिए प्रोत्साहित के रूप में 1 लाख रुपया दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इस योजना का लाभ पॉलिटेक्निक संस्थानों के कार्यरत व सेनावृत्त शिक्षक उठा सकते हैं, इसका प्रचार 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 अपने स्तर से भी कराएंगे। ठीक है, तकनीकी विषयों की पत्रिकाओं की खरीद होगी।
हिंदी भाषा में उपलब्ध तकनीकी विषय की पत्रिकाएं एवं जर्नल्स भी नियमित रूप से पुस्तकालय में रखे जाए और उनसे विद्यार्थी के लिए सुलभ बनाया जाए। ठीक है, तो आप देखिए कि आप जो है इस बार से आपका हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई होगी और बहुत हेल्प होगा जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है उनको। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।